ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर में वन विभाग के नवनिर्मित ऑडिटोरियम और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विद्यार्थियों और आमजनों को शपथ दिलाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग के अनुसार कल उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अब से कुछ देर पहले नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में नवनिर्मित ऑडिटोरियम और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप और केंद्रीय वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। केंद्रीय वन मंत्री विश्व हाथी दिवस पर आज शाम रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के वन मंत्रालय द्वारा हाथियों के संरक्षण और संवर्धन पर केन्द्रित है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों और अन्य लोगों को शपथ दिलाई गई। इन कार्यक्रमों से केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार वर्चुअल रूप से जुड़े। रायपुर स्थित जे अर्दानी स्कूल की छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर रायपुर कलेक्टर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि युवा पीढ़ी को इस बुरी आदत से बचाएं और उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अन्य जिलों में भी स्कूलों और शासकीय कार्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन कर शपथ दिलाई गई तथा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनेक जिलों में छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च उत्पादन क्षमता वाली जलवायु अनुकूल और बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों को जारी करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इनमें 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धान की ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जिसमें 20% कम पानी लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों की नई किस्मों से छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादन क्षमता में और वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया एक्स पर कृषि के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया है। अधिवक्ता विभू दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। इन जजों की नियुक्ति प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी। जजों की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अब न्यायाधीशों की संख्या 17 हो गई है, जबकि प्रदेश के लिए न्यायाधीशों के कुल 22 पद स्वीकृत हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल 13 अगस्त को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संध्या 6 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर देश के जाने माने गायक कैलाश खेर और साथियों द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। ये आयोजन संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। उधर सक्ती जिले के जयजयपुर में आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर 77 मीटर तिरंगा लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं रायपुर में मसीही समाज द्वारा कल 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी। साथ ही 15 अगस्त को सेंट पॉल्स कैथेड्रल की पास्ट्रेट यूथ फेलोशिप द्वारा प्रदेश स्तरीय देशभक्ति गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कल विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत हितग्राहियों के लंबित भुगतान के लिए धनराशि वापसी के निर्देश दिए हैं। इस पहल से लगभग 188 परिवारों को 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंडल द्वारा वापस की गई है। गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को भुगतान में देरी हो रही थी, इस पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा त्वरित कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को धन वापसी की गई है।
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान में नीम का पौधा लगाया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सचिव निहारिका बारिक सिंह, राजेश सिंह राणा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक रजत बंसल और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधे लगाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय में, जबकि उप मुख्यमंत्री अरूण साव बिलासपुर में तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में, मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा में, दयालदास बघेल महासमुंद में, केदार कश्यप दुर्ग में, लखनलाल देवांगन कोरबा में, श्याम बिहारी जायसवाल बलौदाबाजार भाटापारा में, ओपी चौधरी जांजगीर चांपा में, लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर रामानुजगंज में, टंकराम वर्मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित मिनी माता निर्माण दिवस और जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडी का नाम संत गुरू घासीदास बाबा के नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव, सोनेसरार, साकरदहरा और मोतीपुर गांव में विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए 10-10 लाख रूपये देने की घोषणा की। साथ ही शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनांदगांव में मिनी माता की प्रतिमा स्थापना के लिए 5 लाख रूपये देने का ऐलान किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे भी मौजूद थे। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा में पंडित मुकुटधर पांडे साहित्य भवन समिति द्वारा आयोजित अभिनंदन और पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 3 साहित्यकारों की पुस्तकों बहतरीन के दुलरवा, मधु मंजरी और पारस पखना का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साहित्य भवन में विभिन्न विकास और विस्तार कार्य के लिए विधायक निधि से 20 लाख रूपये देने की घोषणा की। आज सावन का चौथा सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेशभर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। भक्तों द्वारा लाए गए विभिन्न नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के शिवालयों में भी आज सुबह से शिव भक्तों की कतार लगी रही। बूढ़ेश्वर महादेव, हटकेश्वर नाथ मंदिर, महादेवघाट सहित सभी मंदिरों में कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया गया। दुर्ग जिले के अकोला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 500 से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। इस बीच उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को भोजन का वितरण भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक 150 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अनुविभागीय अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा झारखंड और उसके आसपास स्थित है। इसके असर से उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 5 नवगठित नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट पर 10-10 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के अनुमोदन के बाद मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज रायपुर के पटवारी ब्रिजेश मिश्रा को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने 2 लोगों से जमीन के खसरा नंबर में सुधार के लिए 30,000 रूपये की मांग की थी। केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा 14 से 16 अगस्त तक बिलासपुर स्थित चिंगराज पारा के शासकीय स्कूल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और जगदलपुर के आड़ावाल स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में कल 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी संस्थानों के कुल 31 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर में वन विभाग के नवनिर्मित ऑडिटोरियम और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विद्यार्थियों और आमजनों को शपथ दिलाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग के अनुसार कल उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।